मैंने कहा था जो जहां हम नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत करके और जीतेंगे। और जहां जैसे आपने इस लोगों से बातचीत की बात करी है, यहां पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो जहां इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहां भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया 5 महीने के बाद, जो उलटफेर जो हुआ है, ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते। और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता कांग्रेस ही परिवार थे, कांग्रेस के खुद परिवार के सदस्य थे और हाल के लिए जरूर लेकिन मैंने कहा ना जो जहां हम नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत करके और जीतेंगे। और जहां जैसे आपने इस लोगों से बातचीत की बात करी है, यहां पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो जहां इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहां भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया 5 महीने के बाद, जो उलटफेर जो हुआ है, ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते। और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ। पूर्व राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, मारवाड़ और मेवाड़ में कहीं कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे, ऐसे में आप क्या सचिन पायलट ज्यादा मेहनत करेंगे मारवाड़? भाई हमने सबने मेहनत करी है और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हम गंगानगर है, कमीशन राजस्थान है, वहां पर कोई बेहतर परिणाम मिले, लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं सर बजल्ला सरकार। आम लोगों में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सचिन पायलट ने पूर्व राजस्थान में बहुत भयंकर मेहनत करी, उसकी वजह से सीटें आई, ऐसे में आप सचिन पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बढ़ गया है। वही हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरीश जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए। आरएलपी से आप लेकर आए कांग्रेस में, क्या कांग्रेस ही थे? कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही परिवार थे, कांग्रेस के खुद परिवार के सदस्य थे और जरूर सर जालौर के नतीजे पर क्या कहेंगे? जालौर का नतीजा से मैस्ट हम लोगों के यहाँ सबसे कद्दावर नेता परिवार रहा है 25 वर्षों से, हम लोगों की राजनीति के मारवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया और जालौर वालों ने हराया। मैं बड़ा स्तंभ जालौर वाला का ही रोल था हराने में या किसी और का भी था? मतदाता तो जालौर के थे।